दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके करौल बाग के होटल अर्पित पैलेस में आज सुबह करीब 4 बजे आग लग गई और इसके बाद होटल धू धू कर जलने लगा। सुबह करीब 4:45 बजे के समय दमकल की 30 गाड़ियां पहुंची। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड ने कुल 46 लोगों को आग से निकाला है। चूंकि कॉरिडोर में लकड़ी का काम चल रहा था, इसलिए हालात ज्यादा बिगड़ गए। लोग सीढ़ियों से नहीं भाग पाए, होटल के खिड़कियों के शीशे तोड़कर लोगों को बचाया गया। घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और अब केवल होटल के कमरों की जांच चल रही है कि कोई कहीं रह तो नहीं गया। चश्मदीदों का कहना है कि आग की वजह से दो लोग होटल के ऊपरी मंजिलों से भी कूद पड़े थे, जिस वजह से उन्हें गंभीर चोट भी आई है। दिल्ली में करोल बाग के होटल में आज सुबह आग लग गई। जो ये करोल बाग होटल उससे ठीक का बगल का ये घर है, उनकी उनसे हम बात करते हैं। मैम से, मैम ये खाली ये बताइए कि आप लोग को पता जब चला कि आग लगी हुई है, उस समय क्या माहौल था बाहर? बहुत लोगों का, मैं तो 3:30 बजे से सुन रही थी। मेरे को सोचा क्योंकि यहाँ पे बसेस आती रहती हैं, लोग जाते हैं, मैंने तो यही सोचा कि लोग जा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। अराउंड 4:15-4:30 के करीब हमारी बेल बजी तो हम लोग बाहर आके आग आग वो चिल्ला रही है, भाभी बाहर आओ। हम लोग एकदम बाहर आए तो उस टाइम तो ये समझ में ही नहीं आता ना क्या हुआ। वो कह रही हम भी बाहर निकलते हैं, बाहर निकल जाओ। हमने बाहर नहीं निकलेंगे, हम बंदर ही जो होगा होगा। मैं यहीं पर खड़ी हुई थी। दो बंदे यहाँ, एक खुदा मेरी तो एकदम ऐसे जान, और उसके बाद ही एक दूसरा बंदा और आ गया यहाँ पे। और बाहर इतनी आग की लपटें, फिर ऊपर हमने फायर भी पीछे था, हमारा बैग भी पूरा है, बैग में ज्यादा आग थी। तो हमने फायर ब्रिगेड वालों को रिक्वेस्ट किया, ऊपर हमारे जो हमारा घर है बंद था, बट चाबी थी मेरे पास, मैंने ऊपर उनको भेजा, उधर से फिर फायर ब्रिगेड, कम से कम 3 घंटे लगे हैं उनको आग बुझाने में। मैम आपका घर एकदम बगल में है, आप लोग को भी ये डर हो रहा होगा कि फायर इतनी ज्यादा थी कि ऑब्वियसली कुछ भी होता है तो फायर तो कभी आज तक ऐसी देखी ही नहीं है हम लोगों ने, ऑब्वियसली तो ऐसे तो डर तो रहेगा ही। बट हमने सोचा हमारे माता जी अंदर सो रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे, हम तो अंदर ही रहे, ऊपर ही खड़े रहे हम लोग। लपटें बहुत ऊंची ऊंची थी आपने देखा? बहुत जबरदस्त, मतलब नीचे से ऊपर, मैंने तो सोचा ऊपर से लगी है, बट बाद में पता चला 109 से लगी है। ये पड़ोसी हैं, उनका ये कहना है कि जो मंजर इन्होंने देखा वो बड़ा ही खौफनाक था और कई लोगों को खुद इन्होंने देखा कि ऊपर से नीचे वो लोग छलांग लगा रहे थे। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया दिल्ली। वहीं फायर अधिकारी विपिन से हमारे सहयोगी अश्विनी गुप्ता ने बात की। इस वक्त हमारे साथ विपिन जी हैं जो कि चीफ फायर ऑफिसर हैं। सर ये बताइए, ये जो आग है कैसे लगी, कितने बजे आप लोगों को पता चला और जब आप पहुंचे तो यहाँ पर क्या सीन था? 4:45 बजे की फायर कॉल है, फायर कंट्रोल रूम से मिली। 3 स्टेशन हमारे नियरेस्ट हैं जिनको टर्न आउट किया गया था पहले, जियो रोड फायर स्टेशन, प्रसाद नगर और शंकर रोड। यहाँ मेन प्रॉब्लम जो रही वो बैरिकेडिंग की थी, यहाँ पे रोड्स को बैरिकेड किया हुआ था और गाड़ी पहुंचने में हमें ढूंढ ढांड के यहाँ पे पहुंचना पड़ा। बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 4 है, ऊपर इसके किचन है और 2 जीने हैं बिल्डिंग के अंदर। और कैजुअल्टीज जो हमने रेस्क्यू किए हैं वो 35 किए हैं और इसमें जो 11 जो हैं वो हमने वैसे निकाली हैं सीढ़ियों से या दूसरी से, जो 35 अपने अप्लायंसेज से निकाली हैं। कितने लोगों की डेथ सर अब तक हो चुकी है? ये हॉस्पिटल कन्फर्म करेगा, अभी कैजुअल्टीज को सबको हॉस्पिटल ले जाया गया। कितने लोग थे इस वक्त सर जब आग लगी इसके अंदर? 45 रूम से तकरीबन सारे ऑक्यूपाइड थे। अच्छा, तो कुछ आइडिया है सर कितने लोग हो सकते होंगे? आइडिया लगा लीजिए, 35 और 11 तो हमने आपको बताया ही है, कुछ स्टाफ के आदमी भी थे साथ में। टोटल काउंट करने के बाद जो इनका रजिस्टर है उसे चेक करने के बाद बताया जाएगा जी। तो सर ये आग जो है टॉप फ्लोर पर लगी, कुछ वजह से ऐसा बता रहे किचन था, किचन से ये आग फैली है? किचन तो टॉप फ्लोर पे है, 4th फ्लोर के ऊपर। आग नीचे से लगी क्योंकि रेस्क्यू जो किया गया है वो 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर सारे फ्लोर थे, जो कंप्रेसर्स हैं वो ब्लास्ट हुए हैं ऊपर 4th फ्लोर के ऊपर। तो सर ये क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर ये अंदर जो सिस्टम है, क्या इन लोग का जो अपना वेंटिलेशन सिस्टम होता है या फायर सिस्टम होता है, क्या वो काम नहीं किया उसकी वजह से इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई? फायर सिस्टम है, लगा हुआ है, पर ये जाँच की विषय है कि इसमें वो काम किया था नहीं किया था, क्योंकि सिलेंडर कुछ निकले हुए हैं वहाँ से, इन्होंने यूज़ किए या नहीं किए। बाकी भी सारा इसमें होदरील सिस्टम बाकी दूसरा लगा हुआ है, वो जांच करने के बाद पता लगेगा। अभी सर रेस्क्यू काम खत्म हो चुका है पूरी तरह से या अभी चल रहा है?
खत्म हो चुका है पूरी तरह, कैजुअलिटीज को ले जाया जा चुका है। अभी गाड़ियां भी विड्रॉ हो गई हैं, 3 गाड़ियां हम रखेंगे यहाँ पे अभी। जी सर, जो मौतें हुई हैं वो जलने की वजह से हुई है या फिर जो धुआं इतना ज्यादा हुआ उसकी वजह से? ये जलने का जो डायरेक्ट है वो शायद कम ही है कैजुअलिटीज, पर ज्यादातर जो है सारी धुएं की वजह से, फिक्सर की वजह से हुई। तो आग पर भले ही काबू पा लिया गया है लेकिन अभी भी कुछ लोग लापता हैं। ऐसा ही आपको बताएं, कोचिन से आए एक परिवार के साथ हुआ जिसके 3 लोग अभी मिले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली थी। सर, आपकी फैमिली के कितने लोग हैं अंदर? 3 लोग मिसिंग हैं। टोटल कितने लोग थे सर? 13 आदमी। 13 लोग थे। कहाँ से सर आप लोग हैं? हम कोचिन से। तो किस कमरे में आप लोग रुके हुए थे? हम 201, 202, 203, 204 में। तो आप भी थे अंदर उस आग लगी? क्या सीन था जब आग लगी उस वक्त? हुआ क्या कि पहले जब मैं ब्रश करने गया तो बिजली चली गई, फिर जैसे ब्रश करने के लिए बाहर आया तो बिजली आ गई। बिजली आने के बाद एकदम जोर से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो मेरा साला बुला रहा था, वो दूसरे रूम में था, 203 पे था, तो वो रो रहा था। तो क्या हुआ पता नहीं, देखा तो बहुत धुआं आ रहा था। तो हमने क्या किया, हम अपने रूम से बाहर निकल गए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो हमारे साथ हमारी सास थी, मेरी साली थी, ये साले की वजह से हम बाहर निकल गए। तो सास और साली दोनों साले के साथ चले। किसी ने बोला कि ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वो ऊपर पहुंचे नहीं पहुंचे हमको पता नहीं। तो मेरे साथ करौल बाग से अश्वनी गुप्ता जुड़े हुए हैं। अश्वनी, अभी ताजा अपडेट सबसे पहले साझा करें। हेलो अश्वनी, आवाज मिल पा रही है आपको? मौजूद हूँ। आप देखिए कि जो फायर है वो ठीक है अश्वनी, आपका फिर से हम रुख करेंगे, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें, ये बताती है किस तरह सुबह 4 बजे से लेकर अब तक जो भी हुआ है वो सब इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखकर आप समझ सकते हैं। आप पहली तस्वीर देखेंगे तो सुबह की तस्वीर, जिस वक्त आग लगी और कैसे नीचे के फ्लोर पर आग लगी और देखते ही देखते लपटें इतनी भयानक हो गई कि ऊपर के फ्लोर्स को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी है दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए। पड़ोसियों ने भी बताया कैसे लोग जद्दोजहद कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। लकड़ी का काम क्योंकि चल रहा था तो बहुत मुश्किल था सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलना। आप सोचिए कि लोग ऊपर से कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, तो कैसा वो मंजर रहा होगा उन लोगों के लिए कि सुबह पता ही नहीं क्या होने वाला है जब वो चैन की नींद सो रहे थे। अश्वनी जुड़ गए हमारे साथ, आपको आवाज मिल पा रही है अश्वनी मेरी? और हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि जब आग लगी के अंदर थे, इनसे भी पूछते हैं कि उस वक्त क्या हालत थी अंदर से। ये बताइए जब आग लगी आप लोगों ने बाहर निकलने की, हुआ क्या, निकल पाए नहीं निकल पाए, क्या हुआ था उस वक्त? 3:30 चलिए फिर से अश्वनी हम आपका रुख करेंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनकी साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम जानेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि अश्वनी के साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, हमने देखा तस्वीरों में चश्मदीद भी कुछ मौजूद हैं। हालांकि ये चश्मदीदों से बात भी की हमने, आपको सुनाया भी कैसे लोगों ने इस पूरे मंजर को देखा। एक बार फिर से आपको हम सुनाते हैं क्या कहना है उन लोगों का जो पड़ोस में रहते थे। मुझे सुबह 4 बजे नींद खुली तो धुएं की वजह से खुली, मैंने तुरंत उठा, मेरे साथ में मेरी फैमिली भी थी, वो अभी वो मेरे दोस्त के घर पे चली गई, वो गाड़ी लेके आया था, तो उन्होंने उनको उठाया, फिर मैंने दरवाजा खोला, धुआं बहुत धुआं है। फिर बाद में हमने खिड़की के पास आए, विंडो के पास, वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाने के बाद कुछ भी नहीं था, फिर बाद में एक फायर की गाड़ी आई, उन्होंने क्रेन में, हमने मोबाइल से टॉर्च देके उनको दिशा दिखाया, हम इधर खड़े हैं बोल के, फिर वो लोग उन्होंने हमें नीचे उतारा, फायर वालों ने। और फिलहाल क्या हालात है, सीधा रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता का। अश्विनी, आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन बताया जा रहा है कि जो मरने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा बढ़ गया है, क्या कुछ फिलहाल और डिटेल है इस खबर पे? बिल्कुल, देखिए अभी अभी जो डीसीपी हैं यहाँ के, इन्होंने बताया है कि 17 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और 4 लोग
घायल बताए जा रहे हैं। अब इस वक्त जो है ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, अपने घेरे में ले लिया है और दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो फायर बुझाने का काम था, रेस्क्यू का काम था, वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो इतना बड़ा आंकड़ा है मौत का, इसकी छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। लगातार हम जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, जो लोग अंदर मौजूद थे, जो मंजर इन लोगों ने देखा, लोग यही बताते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वहाँ पे वो नहीं मिले लोगों को। जो फायर स्प्रिंकलर्स होते हैं, जब धुआं होता है तो जो जिनसे पानी की बौछारें निकलती हैं, वो भी काम नहीं किया। और साथ ही साथ जो खिड़कियां थी वहां की, वो खिड़कियां भी जाम थी। लोगों ने कोशिश की कि अगर आग जब लगी है तो धुआं जब उठा तो खिड़कियां खोल के कम से कम धुआं बाहर निकले, तो वो भी कोशिश लोगों की नाकाम हो गई। और यही सबसे बड़ी वजह रही कि इतनी ज़्यादा संख्या में ये कैजुअलिटीज़ हुई है। ग्राउंड फ्लोर से ये आग शुरू हुई, ग्राउंड फ्लोर पे बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर तक ये आग जो है वो फैलती चली गई। जो कुछ बॉयलर्स थे अंदर वो भी फटे, उसकी वजह से भी स्थिति और ज्यादा गंभीर हुई और एक पैनिक सा मच गया। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त एक पैनिक मच गया, लोग भाग रहे थे, लोगों ने बाहर से कूदने की कोशिश की, यहाँ से निकलने की कोशिश की। लोग ये बताते थे कि उस वक्त जो फायर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर पहुंचे, जो सीढ़ियाँ थी वो उनकी छोटी पड़ गई, वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाई और इस वजह से भी दिक्कत हुई। जो फायर के लोग हैं, जो फायर ऑफिसर्स हैं, उनसे जब हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि यहाँ पर आने के लिए उनको बहुत दिक्कत हुई क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए थे कई जगह पे, गाड़ियों को आने में काफ़ी दिक्कत हुई। ये तमाम चीज़ें आई और इसकी वजह से जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला गया। हम आपको बताएं कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि उनके परिवार वाले कहाँ हैं। कई अलग अलग अस्पतालों में जो लोग हैं उनको यहाँ से ले जाया गया है। 17 लोगों की मौत होगी जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि जो होटल के मालिक हैं, दो महत्वपूर्ण चीजें, दो महत्वपूर्ण बातें अश्विनी इस पूरे मामले में इस हादसे से जुड़ी सामने आ रही है। एक तो जो इक्विपमेंट्स लेकर फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे थे वो नाकाफी साबित हुए, इसीलिए और ज्यादा देरी हो गई रेस्क्यू ऑपरेशन में, और दूसरी तरफ होटल में जो चीजें होनी चाहिए आग बढ़ने से रोकने के लिए वो यहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से 17 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल, देखिए आग की वजह से, देखिए सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचे। जैन साहब आप कुछ जी, जैन साहब 17 लोगों की मौत हो गई है इसमें, क्या आप लग रहा है आपको कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अंदर से बाहर निकलने का सिस्टम खराब था, लोग निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे, जो खिड़कियां थी वो शीशे उसके ब्लॉक थे। देखिएगा, थोड़ा नीचे करो।